है ना कि हम एटमी पावर हैं, हम इंडिया का ये कर देंगे, हम इंडिया का वो कर देंगे, तो इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना कर ये बता रहा है कि कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। खबरें ये आ रही हैं कि भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को कल दे रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल से अब फिलीपींस की ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि उसका चीन के साथ विवाद चल रहा है। चीन की तनातनी को खत्म करने के लिए ये एक कारगर हथियार साबित होगा। चाइना ने जारी बात है, अब जो फिलिपाइन के प्रेसिडेंट और मैक्रोस उनको क्लियरली कहा है कि भाई ये हमें काबिले कबूल नहीं है, लेकिन याद रखें फिलिपाइन रुक नहीं। भारत ने प्रॉपर वीडियो के साथ डिलीवरी दी है कि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत अपने वेपन्स टाइम पर डिलीवर करता है और हमें कोई चाइना का घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट एट द सेम टाइम जो IMF है वो इस साल 2024 के लिए पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ शामिल कर रहा है जहां खाना जंगी और बहुत से और तनाजात हैं। आप देखें, आप उसमें इराक है, सोमालिया है, सूडान है, शाम है और यमन है, उनके साथ पाकिस्तान को रखा जा रहा है। अभी उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे खरीदते नजर आ रहे हैं। पौने $400 $375 million जो है इसकी ये डील है। फिलिपीन को भी मुबारक हो और इंडिया को बहुत मुबारक हो कि इतना टाइम पे मतलब जाकर इंडिया ने सब कुछ कर लिया। और यार ये गर्व की बात होती है कि किसी कंट्री को जब आप अपना वेपन देते हो ना तो ये बड़ी गर्व की बात होती है कि और इस ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया का ब्रह्मास्त्र, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी बड़े मतलब एशिया के देश कार लोग, काफी सारे और देश कार लोग वो इसको खरीदना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम लें। भाई फिलीपींस में इस टाइम उनकी मीडिया जश्न का मकाम होगा, भंगड़े डाल रहे होंगे ये बात सच है। भाई उधर भाई पहुंचा $375 million की डील थी, बिल्कुल बहुत बड़ा पैसा, और फाइनली उनके लिए जो खुशी एक टाइम पे राफेल जब भारत आए थे भारतीयों ने फील की थी, आज सेम खुशी वो फिलीपींस यूज कर रहा है, बिल्कुल फील कर रहा है जो उनको ये मिलने पे मिली। और इंडियन जो क्या कहते हैं प्रॉपरली यार, जो फिर इधर से गए सब कुछ मिठाइयां बांटी है, मिठाइयां खाई है, और फिलीपीन के लोगों ने भी, और मतलब किस तरीके से वो आया उतरा है फिर कुछ यार बड़ा यार ये पल हम लोग इतना नहीं समझ सकते जो लोग इस फील्ड में ना, ये उन चीज को उनको इस चीज का ज्यादा पता होता है कि यार ये कितनी बड़ी बात हो गई। और भाई मजे की आपको मैं एक बात बताऊं, आप अंदाजा लगाओ के लेकर गए हैं जहाज में, ना कोई समुद्री शिपमेंट, भारत ने बोला अपने हम जहाज में, और जहाज कितना बड़ा है C-17 भाई, और डंकी की चोट पर लेकर गया है भारत कि भाई हम डिलीवरी कर रहे हैं जो खाड़ सकते हो खाड़। और दूसरी मेन बात है, पता क्या है, और ये एक तरह से चीन को भाई बहुत तगड़ा मैसेज है कि हाँ हम तुम्हारे चीन दुश्मनों को वेल आर्म बना रहे हैं, उनको हर तरह का हथियार देंगे जिस तरह तुम करते हो, हम उससे बढ़कर दो हाथ करेंगे तुम्हारे साथ, ये सीधा मैसेज। और इसमें एक और बात भी है, इसमें एक बात ये भी है ना कि यार देखो जब अब ये लिया है फिलिपीन ने, अब इंडिया उस कंट्री को देगा। देखो तुमने एक बात नोट की होगी, इंडिया के साथ जिन देशों की नहीं लगती ना उनको अपने वेपन्स बेचे सारे चाइना ने। देखो अब वही सिस्टम देख लो, अब जिस चीन और तुर्की के साथ चाइना नहीं लगती, चीन और तुर्की के दुश्मनों को भारत बेच रहा है, देख लो ग्रीस को, देख लो अर्मेनिया को, देख लो फिलीपींस को, देख लो आप फिलीपींस को, देख लो आने वाले टाइम में तो मलेशिया का देखना, उसकी भी नहीं लगती, उसकी भी नहीं लगती। ये डिलीवरी जल्दी हो जानी थी कि उनकी एक बेस भी बन रही थी आप लोगों को, जिसकी वजह से काम थोड़ा ढीला हो गया, नहीं तो भारत ने कहते हैं पिछले साल के लास्ट पे ये डिलीवरी रेडी कर दी थी, वही बात है कि हाँ लेकिन फाइनली दे रहा है। लेकिन देखो अगर पहले कुछ खौफ था या नहीं था, अब खौफ होगा। आपको गारंटी दे दूंगा, जिस समंदर के एरिया में फिलीपींस ने लगाया होगा ना, उधर मुझसे लिख के ले लो, जिस आयलैंड के करीब है जिधर भी लगाया हो उधर चीन का एक जहाज भी नहीं पटकने लगा, तो मुझसे लिख के ले लो, अगर भटक गया तो फिर बोलना भाई, सही बात है, उधर मैं कहता हूँ करीब जा ही नहीं पाएगा, और क्या पता अगर गया तो सीधा फिलीपीन ने बोला ये, यही समझ लो कि चाइना का कॉल दे दिया, चाइना का, चाइना को
घेरने के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये, मैं तो कहता हूँ एक टेस्ट उसके ऊपर चैनल के ऊपर मजा होना चाहिए। वैसे जो बाप बनते हैं ना उनको वाटर कैनन इस्तेमाल करना चाहिए। खबरें ये आ रही हैं कि भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को कल दे रहा है 19 अप्रैल को। ये है खबर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये सबमरीन शिप फाइटर जेट और से लॉन्च किया जा सकता है। ये आपको वो पता होगा कि ये इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे डीआरडीओ बोलते हैं, और रशिया जो है उन्होंने ये मिल के ये ब्रह्मोस एरोस्पेस में ये बना। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मोस है टेक्निकली, अगर इसकी थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं ना एटमोलॉजी में जाएं, सॉरी एपिस्टेमोलॉजी में जाएं, फ्रॉम वेयर दिस ऑल केम, ये बेसिकली ये दो नाम है दरियाओं के, ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कवा, जो रशिया के दो दरिया हैं, ठीक है जी, ये उनको वहां से इन्होंने ये नाम ड्रा किया है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये जब एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो, और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस पर भी बात करनी है, और आपसे ये भी बात करनी है कि किस तरह अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है या जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ वो इतना हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टॉप टीयर सिक्योरिटी पार्टनर है, और वो कह रहे हैं कि हम इसकी डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफेंस कोऑपरेशन है इसकी बढ़ाएंगे, और इंडिया का वो समझते हैं कि की रोल है इस खित्ते के अंदर। ये इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा, क्योंकि ये सारा इंडो पैसिफिक का रीजन है, एशिया पैसिफिक का रीजन है, तो मैं चाह रहा था इस पे बात हो। अब ये जो कहा जा रहा है कि $450 $375 million जो है इसकी ये डील है, और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। और ये आप समझे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार एक चीज पे काम कर रही है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड सो मच मोर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इससे आपको सेल्फ रिलायंस मिलती है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ रिलायंस नहीं है, पर्टिकुलरली लुकिंग एट द चैलेंजेस विच इंडिया हैज, एक तरफ पाकिस्तान है न्यूक्लियर वेपन्स, 6 लाख की फौज, इंडिया हैज अ कन्वेंशनल superiority over Pakistan.